बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बच्चे लास्ट टू लेक्चर्स में वी हैव डिस्कस व्हाट इज़ इनकम टैक्स, व्हाट इज़ द पेपर पैटर्न एंड व्हाट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें हम लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक कंप्लीट अथॉरिटी को कि आपके इनकम टैक्स की कंप्लीट अथॉरिटी क्या है, किस तरह से वो फाइल, उसकी क्या डेफिनेशन है, वो किस तरह से वर्क करता है, क्या तरीक़ाकार है। तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो हमने किया था एप्लेट ट्रिब्यूनल को। अब उसी लेक्चर से उसके सीक्वेंस के साथ एप्लेट ट्रिब्यूनल से जो जुड़ता हुआ क्वेश्चन है, डैट इज़ प्रोसीजर ऑफ अपील टू एप्लेट ट्रिब्यूनल, कि जो एप्लेट ट्रिब्यूनल की हमने अथॉरिटी तो पढ़ ली कि जी वो बेंच बना के काम करते हैं, उनके काउंटेंट मेम्बर हैं, उनके ये मेम्बर हैं, वो इस तरह से है, उसका एक रजिस्ट्रार है, उसका ये काम है, चेयरपर्सन का ये काम है, बेंच का ये काम है, इस चीज़ के ऊपर वो डिसीजन करता है। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे कि इस एप्लेट ट्रिब्यूनल को हम अपील किस तरह से करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि आप एप्लेट ट्रिब्यूनल को क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, उसका तरीकाकार क्या है, उसका मेथड क्या है। बिल्कुल इस तरह से जैसे आप पंजाब यूनिवर्सिटी के थ्रू कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, अगर आपने बीकॉम करना है तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, बीए करना है उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, बीएससी करना है तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। फिर जो है वो रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, फिर उसके बाद आप एडमिशन भेजेंगे, उसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, फ़ी पे करेंगे, फ़ी चलान कॉपी करेंगे, वो जमा करवाएंगे, जमा करवाने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट, बैंक की फ़ी जमा करवाने के बाद आप जमा करवाएंगे, फिर उसके बाद एक रोल नंबर स्लिप आएगी और फिर आप पेपर दे सकेंगे। तो पेपर देने से पहले ये सारा प्रोसीजर फॉलो करना ज़रूरी होता है। सेम इस तरह से जो एप्लेट ट्रिब्यूनल की अथॉरिटी हमने पढ़ी है, उसकी ये अथॉरिटीज़ थी जी, अच्छा वो ये कर सकता है, ये कर सकता है, लेकिन उसको अपील करने का प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसीजर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उस प्रोसीजर को क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यानी हम अगेन बिजनेस टैक्सेशन ठीक है जी, उसमें हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स, उसमें हम पेज नंबर 44 सेट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर दी प्रोसीजर फॉलोड बाय, या एक्सप्लेन दी प्रोसीजर ठीक है जी, ऑफ अपील टू एपीलिएट ट्रिब्यूनल, एपीलिएट ट्रिब्यूनल को अपील करने का प्रोसीजर क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है जी। व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू एपीलिएट ट्रिब्यूनल, अपील किस तरह से करनी है। तो आपको ये बात समझ आई कि अपील, व्हाई वी रीड दिस क्वेश्चन, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसकी ज़रूरत यही है कि अगर आपने किसी की अथॉरिटी, किसी की वर्किंग स्टडी करनी है तो उससे पहले पता तो हो कि उस स्टडी तक जाना कैसे है, तो उसका प्रोसीजर क्या है। बेटा प्रोसीजर कहते हैं किसी भी मेथड को टू बी अडॉप्ट रीचिंग टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। प्रोसीजर क्या होता है, एक मेथड होता है जिसको अडॉप्ट करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने के लिए, वो एक प्रोसीजर होता है, वो एक टेक्निक है, वो एक मेथड है। और एप्लेट ट्रिब्यूनल हम लोग पढ़ चुके हुए हैं कि एप्लेट ट्रिब्यूनल क्या है, सेकंड कोर्ट ऑफ अपील, एंड हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी। तो ये सेकंड आपके पास कोर्ट है और ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी। अब इसका प्रोसीजर क्या है, तो बेटा सबसे पहले व्हाट इज मेंट बाय अपील, अपील क्या है,
अपील क्या है कि हमारे पास अप्लाइंग टू हायर कोर्ट फॉर रिवीजन ऑफ लोअर कोर्ट, अप्लाइंग टू हायर कोर्ट, आपने क्या करना है, आपने अप्लाई करना है हायर कोर्ट को फॉर किसके लिए, रिवीजन ऑफ लोअर कोर्ट, जो लोअर कोर्ट ने अकॉर्डिंग, ये है आपके पास जो डेफिनेशन है बेसिकली, दिस डेफिनेशन इज डिफाइंड बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक वो क्या कह रहे हैं, तीन मेन चीज़ें बेटा इस डेफिनेशन के अंदर। सबसे पहले लोअर कोर्ट, आपने क्या करना है, लोअर कोर्ट के डिसीजन को रिवाइज करना है, चेंज करना है। वो चेंज कौन करेगा बेटा, वो चेंज करेगा आपका हायर कोर्ट। अब उस चेंज करने के लिए जो आप अप्लाई करते हैं, उस मेथड को फॉलो करते हैं, उस टेक्निक को फॉलो करते हैं, दिस इज कॉल्ड अपील। बात समझ आई कि लोअर कोर्ट के डिसीजन को आप क्या करवाना चाह रहे हैं, रिवाइज करवाना चाह रहे हैं, किस से, हायर कोर्ट से, किस तरह से, अप्लाई करके। उस प्रोसेस को, उसको क्या कहा जाएगा, अपील कहा जाएगा। ठीक है जी। अब अपील करने के लिए इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, और वो जो प्रोसीजर है अब हम उसको डिस्कस करते हैं। नंबर वन पॉइंट देखें, पहला पॉइंट हमें हमारी डेफिनेशन से मिल रहा है। याद रखेंगे, अगर किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। सेम इस तरह से अगर आपको किसी डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो डेफिनेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। देखिए जी, हमने क्या करना है, हमने अपील किसके अगेंस्ट करनी है, लोअर कोर्ट के अगेंस्ट। लोअर कोर्ट क्या है, हमारे यहाँ, हमारे इस सेक्शन में लोअर कोर्ट है CIR अपील, और हमारे पास यहाँ पे हायर कोर्ट कौन है, एपलेट ट्रिब्यूनल। तो हमने क्या करना है, पहला पॉइंट ये होगा, पहला प्रोसीजर ये होगा कि आपने क्या करना है, CIR की अपील के अगेंस्ट आपने क्या करना है, लोअर कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जाना है ना, अपील तो यही होती है। तो लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है, पहला पॉइंट ही हमारा ये होगा कि अगेंस्ट दी डिसीजन ऑफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स, यानी इन अदर वर्ड्स आप लोअर कोर्ट कह सकते हैं। तो पहला तरीका कार क्या है कि पहला पॉइंट ये है, पहला प्रोसीजर ये है कि आपने पहला पॉइंट, पहली हेडिंग आपके पास क्वेश्चन में ये बनेगी कि अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ CIR अपील, आपने कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू के डिसीजन के अगेंस्ट क्या करना है, अपील करनी है। नंबर टू है राइट टू अपील। अपील करने का राइट किसके पास है, तो बेटा हम प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, अपील करने का राइट बोथ के पास है। बोथ मीन टैक्स पेयर के पास भी है और CIR के पास भी है, दोनों के पास राइट है कि वो क्या करें, अपील कर सकते हैं लोअर कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट। चाहे अगर हमने पढ़ा भी था कि अगर टैक्स पेयर और कमिश्नर सेटिस्फाइड नहीं होते कमिश्नर ऑफ अपील के डिसीजन से, तो वो अपील करेंगे किसको, एपलेट ट्रिब्यूनल को। तो दूसरा पॉइंट ये है कि राइट टू अपील, अपील करने का राइट दोनों के पास है। थर्ड है, आप अपील कब कर सकते हैं, टाइम, उसके टाइम की बात होती है, टाइम फॉर फिलिंग अपील का टाइम क्या है, कब तक अपील कर सकते हैं, टाइम फॉर फिलिंग एन अपील, एक अपील को फिल करने के लिए आपके पास कितना टाइम है। तो बेटा जब आपका ये वाला डिसीजन होगा, लोअर कोर्ट जो आपको डिसीजन देगा, वो डिसीजन आप तक कम्युनिकेट होगा, इन राइटिंग आएगा। तो जिस दिन वो आएगा उसके 60 डेज के अंदर 60 डेज, यदि विद इन 60 डेज ऑफ द डिसीजन विल बी कम्युनिकेट। देखें, आप गए कोर्ट में,
एक तो आपके सामने ओरल डिसीजन आ गया, ओरल डिसीजन जब आपके पास आए तो आप कुछ नहीं कर सकते जब तक कि वो डिसीजन आपके पास रिटर्न में ना आए। तो जब ये डिसीजन आपके पास रिटर्न में आएगा तो अपील कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बीकॉम पार्ट वन की एग्ज़ाम दिए, रिज़ल्ट आ गया, आपने वेबसाइट पे चेक भी कर लिया, पता चला जी आपकी तो सप्ली लगी है। अब आपको डाउट हो गया कि यार ये सप्ली क्यों लगी है, मैंने तो रीचेक करना है। तो आप रीचेकिंग कब अप्लाई करेंगे, जब आपके पास रिज़ल्ट कार्ड आएगा। अब रिज़ल्ट कार्ड क्या है, वो रिटर्न कम्युनिकेशन है, वो ऑर्डर जो उन्होंने दिया उसका रिटर्न प्रूफ है आपके पास। तो आप क्या करेंगे कि 60 डेज इस डिसीजन का जो आपको रिटर्न आएगा आपके पास, उसके 60 डेज के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं। बेटा नंबर 4 पॉइंट है डिले इन फाइलिंग द डिसीजन, फाइलिंग द अपील। आप अगर डिले हो गया यानी आपने 60 दिन के अंदर अंदर अपील नहीं की तो फिर क्या होगा, तो आपको जेन्युइन रीज़न बतानी पड़ेगी, जेन्युइन रीज़न बतानी पड़ेगी कि इस वजह से मैं डिले हुआ हूँ, कि मैं जो है वो पाकिस्तान में नहीं था या इस तरह मुझे कम्युनिकेट नहीं हो सका। जो भी जेन्युइन रीज़न होगी वो रीज़न आपको बतानी पड़ेगी तो आपकी ये बात अपील कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर 60 डेज़ का टाइम ख़त्म हो जाए तो उसके बाद अपील आप नहीं कर सकते। अगर 60 डेज़ के बाद आपने अपील करनी है और अगर आपकी अपील लेट है और क्यों है, उसके लिए आपको जेन्युइन रीज़न बतानी पड़ेगी बेटा जी। तो ये अभी तक हमारे पास 4 पॉइंट हुए। पहला पॉइंट ये है कि अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट यानी कमिश्नर ऑफ अपील, उसके बाद है राइट टू अपील, उसके बाद है टाइम फॉर फिलिंग एन अपील, और उसके बाद है डिले इन फाइलिंग। नंबर 5th पॉइंट है आपके पास डॉक्यूमेंटेड टू बी सबमिटेड, डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड। बेटा इसके साथ डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपने सबमिट करवाने हैं, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने बीकॉम का एडमिशन भिजवाना है, तो एडमिशन भिजवाने के साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, रजिस्ट्रेशन कार्ड की कॉपी, आईडी कार्ड की कॉपी, आपकी पिक्चर, चलान फॉर्म यानी जो आपने फ़ी जमा करवाई है, उसके बाद आपके मैट्रिक इंटर जितने भी एजुकेशनल आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी जमा करवानी पड़ेगी, तो तब आपका एडमिशन जाएगा। सेम एज इट इज़ अपील करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, आपके पास बेटा 5 डॉक्यूमेंट होंगे। सबसे पहले उसका एक फॉर्म होता है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन फॉर्म होता है उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी होती हैं, आपने फिल करना होता है। इस तरह अपील का भी एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, उस फॉर्म के अंदर आपने सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। उसके बाद दूसरी बात होती है बेटा ग्राउंड्स, किन ग्राउंड्स के ऊपर आप अपील करना चाह रहे हैं वो बताएंगे, उसकी ब्रीफ समरी देंगे आप कि जी मैं इन ग्राउंड्स के ऊपर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ उसकी रीज़न आपको बतानी पड़ेगी, उसकी ब्रीफ समरी देनी पड़ेगी। उसके बाद बेटा जी नंबर 3rd कॉपी ऑफ ऑर्डर, आपको ऑर्डर की कॉपी देनी पड़ेगी। कौन से ऑर्डर की, जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है उसकी कॉपी, यानी कमिश्नर ऑफ अपील का जो ऑर्डर आया हुआ है, आपका जो डिसीजन आया हुआ है उसकी कॉपी आपको साथ लगानी पड़ेगी। उसके बाद नंबर डी आपको जो है चौथा जो पॉइंट है वो पावर ऑफ अटॉर्नी बताना पड़ेगा कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी किसको देना चाह रहे हैं, किसकी फेवर में देना चाह रहे हैं। और नंबर 5 आपको चलान फ़ी, जो इसकी आपने फ़ी जमा करवानी है, जैसे आप पंजाब यूनिवर्सिटी की फ़ी जमा करवाते हैं उस तरह से आपको। तो ये 5 डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने पड़ेंगे अपील के साथ, एक उसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म बेटा जी, उसके ग्राउंड्स, किन ग्राउंड्स के ऊपर आप अपील करना चाह रहे हैं उसकी एक ब्रीफ समरी देंगे, उसके बाद कॉपी ऑफ ऑर्डर या ये वाले ऑर्डर की कॉपी आप लगाएंगे, पावर ऑफ अटॉर्नी आप किस पर्सन की फेवर में देना चाह रहे हैं, कौन करेगा आपके बिहाफ के ऊपर, कौन सा अथोराइज पर्सन है, और बेटा चलान की फ़ी आपको जमा करवानी पड़ेगी। अब नंबर 6 पॉइंट है एप्लीकेशन फ़ी या अपील फ़ी, इसको कह सकते हैं आप। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है बेटा, ये 2 तरह की एप्लीकेशन फ़ी होगी। अगर तो टैक्स पेयर देगा तो टैक्स पेयर के लिए 200 रुपये है, और अगर टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है तो उसके लिए कोई फ़ी नहीं है। मतलब एप्लीकेशन फ़ी टैक्स पेयर अगर अपील कर रहा है तो उसके लिए 200 है,
और जो आपका अपना है डिपार्टमेंट उसके लिए नंबर 7 पॉइंट वही है, नो फी फॉर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के लिए कोई फ़ी नहीं है। मतलब डिपार्टमेंट का मतलब कमिश्नर है, कि कमिश्नर के लिए कोई अपील नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट का अपना ही डिपार्टमेंट है, तो गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट से तो फ़ी नहीं लेगी लेकिन टैक्स पेयर से फ़ीस लेनी पड़ेगी। ये 7 पॉइंट है, तो टोटल 14 पॉइंट है इसके, ये 7 पॉइंट हैं। इनको हम रिपीट कर लेते हैं कि प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपको लोअर कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील करनी पड़ेगी। फिर अगली बात है अपील कौन कौन कर सकता है, तो बेटा दोनों का राइट है, आपका टैक्स पेयर भी कर सकता है, कमिश्नर भी कर सकता है। फिर उसके बाद है कब कर सकते हैं, तो कर सकते हैं जी 60 डेज के अंदर अंदर कर सकते हैं, जब आपको ये डिसीजन रिसीव हुआ हो। अगर आपने 60 डेज से अंदर डिले किया है तो आपको बेटा जेन्युइन रीज़न बतानी पड़ेगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे, तो ये 5 डॉक्यूमेंट होंगे। अपील का एक फॉर्म होगा, किन ग्राउंड्स के ऊपर आप अपील कर रहे हैं, कॉपी ऑफ ऑर्डर होगा, पावर ऑफ अटॉर्नी आप किसको अथोराइज कर रहे हैं, और बेटा चलान फंड फ़ी है 5 पॉइंट। ये नंबर 6 पॉइंट ये था कि एप्लीकेशन की फ़ी 200 होगी टैक्स पेयर के लिए, नो फी फॉर डिपार्टमेंट। तो ये थे 7 पॉइंट। नेक्स्ट 7 टोटल 14 पॉइंट है इस क्वेश्चन के, तो 7 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 8 पे आते हैं। नंबर 8 पॉइंट है कि पेमेंट ऑफ टैक्स, जिस पॉइंट का आपका डिस्प्यूट था वो तो यही था ना, तो जो डिस्प्यूट है फॉर एग्जांपल, चलिए इस बात को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है कि टैक्स पेयर कह रहा है मेरा जो टैक्स है वो बन रहा है 55,000, CIR कमिश्नर कह रहा है कि नहीं तुम्हारा टैक्स बन रहा है 75,000, तो डिस्प्यूट तो यहाँ पे राइज हुआ। अब क्या होगा, ये अपील करने से पहले ये जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स कह रहे हैं, जो कमिश्नर कह रहा है, ये टैक्स पे करना पड़ेगा। पहले आप ये पे करेंगे, पे करने के बाद अपील करेंगे, आपकी सुनवाई होगी, अगर डिसीजन आपके हक में आएगा तो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा या आपका टैक्स एडजस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अपील करने से पहले आपको बेटा जी टैक्स की पेमेंट करना ज़रूरी होगी। ये पॉइंट नेसेसरी है कि आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर आप कहें कि मैं टैक्स जमा नहीं कराऊँगा और अपील कर लूँगा, तो आप अपील कर ही नहीं सकते जब तक आप ये पे ना करें। उसके बाद है जी नंबर 9 हेयरिंग ऑफ अपील। जब आप अपील कर लेंगे तो आपकी अपील की हेयरिंग होगी, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, टैक्स पेयर को भी और टैक्स डिपार्टमेंट को भी। आपको हेयर किया जाएगा, आपको सुना जाएगा, आपके पॉइंट देखे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है वो डिसीजंस होंगे जो भी होगा। फिर है जी उसके बाद नंबर 10 नंबर ऑफ मेंबर्स। तो बेटा ये हेयरिंग ऑफ अपील अगर आपको याद हो तो ये एपलेट ट्रिब्यूनल के अंदर रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार का काम था कि वो आपको बताएगा जी आपकी अपील की हेयरिंग की डेट ये है, आपने आना है। नंबर ऑफ मेंबर, बेटा अगर तो केस है 10 लाख तक का तो सिंगल मेंबर हायर करेगा, इसको हेयर करेगा, और अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो फिर जितने मर्ज़ी लोग अपॉइंट करे आपका चेयरपर्सन, वो उसकी मर्ज़ी है, उसकी अथॉरिटी है। लेकिन अगर तो आपका 100,000 तक 1,000,000 तक का इशू हो चल रहा है, तो उसको सिंगल मेंबर आपकी हेयरिंग करेगा, उसके लिए कोई लार्जर बेंच की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है जी नंबर 11 पॉइंट, इट इज़ टेक्निकल डिसीजन ऑफ अपील। अपील का जो डिसीजन है बेटा, इसमें 3-4 पॉइंट हो सकते हैं। पहला पॉइंट है इन केस ऑफ असेसमेंट, अगर केस ही आपका असेसमेंट का है तो फिर क्या होगा, और एक डिसीजन हो सकता है कि फर्दर इंक्वायरी, फिर क्या है इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट, और
other than assessment. बेटा यहाँ पे वर्ड असेसमेंट यूज़ हुआ है. असेसमेंट का मतलब होता है असेस करना, जांचना, पड़ताल करना, कैलकुलेट करना. दिस इज़ कॉल्ड असेसमेंट. तो असेसमेंट टैक्स में किसको कहते हैं? अगर आप अपने टैक्स पेयर की इनकम, उसके एक्सपेंसेस, उसकी लायबिलिटीज़ को कैलकुलेट करें, चेक करें, मेजर करें, तो वो कहलाती है असेसमेंट. तो अगर तो असेसमेंट का केस है जो चल रहा है कि अगर आपने असेसमेंट के अगेंस्ट अपील की है, इसको अनल किया जा सकता है. इसको अनल का मतलब होता है ख़त्म किया जा सकता है असेसमेंट का, ठीक है जी, या आपकी असेसमेंट को कंफर्म किया जा सकता है या वेरी किया जा सकता है. कहने का मतलब ये है कि आपका असेसमेंट का ऑर्डर ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है, कंफर्म जो कहा गया था वही होगा, कंफर्म है, या फिर वेरी चेंज किया जा सकता है. हो सकता है टैक्स डिपार्टमेंट वाले 75 की बजाय 60 कह दें, 65 कह दें, 70 कह दें, तो ये डिसीजन हो सकता है. और असेस फिर क्या हो सकता है, फर्दर इंक्वायरी की जाए. कहें जी फर्दर आप क्या करें इंक्वायरी. आपको बड़ा एक फेमस केस था पैनेमा का, पाकिस्तान में आया था, तो आपको याद होगा कि नवाज शरीफ का केस चला, सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आया जी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए JIT बना दी जाए. तो जब JIT बनी, लोगों ने बड़ी मिठाई खाई कि चले जी देखा जाए, हमारा डिसीजन ख़त्म हो गया है. लेकिन नहीं बेटा, डिसीजन नहीं होता, फर्दर एनालिसिस के लिए, चेक करने के लिए, ग्राउंड्स में जाने के लिए डिटेल इंक्वायरी का ऑर्डर दिया जा सकता है. तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे भी है कि फर्दर इंक्वायरी इन द डायरेक्शन ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल. एपलेट ट्रिब्यूनल कहे जी इन इन ग्राउंड्स के ऊपर आप फर्दर इंक्वायरी करें, फिर हम आपका डिसीजन देंगे. ठीक हो गया जी. इंक्रीज़ या डिक्रीज़ अमाउंट, आपकी अमाउंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है. और लास्ट वन है अदर देन द असेसमेंट. अगर आपकी असेसमेंट के अलावा होगा तो फिर क्या होगा, फिर भी वही होगा कि या तो आपका केस डिक्रीज़ किया जा सकता है, अमाउंट को अनल किया जा सकता है, इंक्रीज़ किया जा सकता है, या डायरेक्शंस दी जा सकती हैं. मतलब असेसमेंट का केस नहीं है, केस कोई और है, कोई और डिस्प्यूट है आपका, तो फिर इंक्रीज़, डिक्रीज़, अनल या फर्दर डायरेक्शंस आपको दी जा सकती हैं. ये था डिसीजन ऑफ अपील. जब अपील का डिसीजन हो जाएगा तो नेक्स्ट पॉइंट है टाइम फॉर डिसीजन. कितने माह के अंदर डिसीजन का टाइम होगा? तो बेटा 6 मंथ के अंदर अंदर, जब ये अपील आप करेंगे उसके फर्दर 6 मंथ के अंदर अंदर आपका डिसीजन हो जाएगा. 6 माह के अंदर अंदर आपका सारे का सारा जो है वो आपका केस सुन के उसका डिसीजन दे दिया जाएगा. और फर्दर वही बात कि अगर पॉइंट ऑफ लॉ होगा तो रेफरेंस टू हायर कोर्ट. हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि इन केस ऑफ पॉइंट ऑफ लॉ केस रेफर कर दिया जाएगा हाई कोर्ट को. और फाइनल एंड फैक्ट अथॉरिटी होगी इन केस ऑफ पॉइंट ऑफ फैक्ट में. और एंड कम्युनिकेट एंड डिसीजन विल बी कम्युनिकेट टू बोथ पार्टीज. तो आपकी दोनों पार्टीज़ को क्या किया जाएगा बेटा जी? डिसीजन कम्युनिकेट किया जाएगा, बता दिया जाएगा, रेफ़र कर दिया हाई कोर्ट को, ये भी बता दिया जाएगा. पॉइंट ऑफ फैक्ट है तो उसके ऊपर फाइनल एंड फैक्ट डिसीजन होगा, जो भी डिसीजन होगा वो कम्युनिकेट कर दिया जाएगा आपकी बोथ पार्टीज़ को. बेटा ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है. एपलेट ट्रिब्यूनल की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ज़्यादातर अथॉरिटी भी पूछी जाती है और 1 से 2 बार उसने क्वेश्चन में अपील को भी पूछा है. तो ये अपील का पूरा प्रोसीजर था, पहले 7 पॉइंट और अगले 7 पॉइंट आपके सामने हैं, ठीक है जी. अपील किस तरह से करते हैं, क्यों करते हैं, उसकी रीजंस क्या हैं, हमने पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया. डिस्कस करने के बाद आई थिंक, आई होप सो कि अगर आपने इसको साथ साथ डिस्कस किया है
या आपने साथ साथ इसको अच्छी तरह से समझा है तो ये क्वेश्चन आपको तैयार हो चुका होगा। बस आपने इसकी रीडिंग करनी है नोट से। रीडिंग करने के लिए पेज 44 है, सेट नंबर 2 है आपका इनकम टैक्स का, और 14 पॉइंट है, पहले 7 और फिर नेक्स्ट 7, ठीक है जी। और होप्स हो कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो बेटा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट अथॉरिटी के साथ इंशाल्लाह ताला आपसे जो है वो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।